Hello and welcome back guys to the another video. Hope all are doing good guys. आज के इस वीडियो पे आपके लिए काफ़ी सारे न्यूज़ है गाइज। होप कि मैं आप सबको अपडेट कर पाऊँ स्पोर्ट्स की दुनिया से पूरी तरह से। तो गाइज बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ दे देता हूँ मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से गाइज। क्रिकेट की दुनिया से काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, तो चलिए पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो गाइज इंग्लैंड का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो गया है, जिसे कहते हैं काउंटी चैम्पियनशिप या बॉब विलिस ट्रॉफी। वो शुरू हो गया है गाइज और काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है बैटल बिटवीन द टीम्स। और अगर आपको इसका फुल्ली डिटेल्स जानना है, स्टेट जानना है, तो cricbuzz.com पे विजिट करिए। वो सबसे ईजी जरिया है और आसान और अच्छा है, जिससे कि आपको पूरा क्रिकेट का पूरा फुल्ली अपडेटेड रहने के लिए गाइज। ठीक है, तो दूसरा न्यूज़ है कि जो आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का सीरीज चल रहा था, उसमें सेकेंड ओडीआई में भी इंग्लैंड ने आयरलैंड को आसानी से 4 विकेट से हरा दिया, जहाँ पे जॉनी बेस्ट बने मैन ऑफ द मैच। और गाइस तीसरा न्यूज़ है, और कल होगा आखिरी वनडे इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का। और इस तरह से ही इंग्लैंड तो सीरीज जीत ही चुका है, और कल भी अगर जीतेगा तो वो पॉइंट्स टेबल पे ऐसे ही ऊपर हैं, तो और ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखेंगे गाइस। तो गाइस दूसरा न्यूज़ है कि आईपीएल को लेकर, कि आईपीएल जो यूएई में होने वाला था, बीसीसीआई ने कंफर्म किया था, उसको बस गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलना बाकी था। गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दिया है गाइस, और ये कन्फर्म्ड हो गया है कि आईपीएल इस बार का यूएई में होगा, September 19 से लेकर November 10 तक। और गाइस 53 डेज होगा और 10 डबल हेडर्स होगा टोटल में, और मैच स्टार्ट होगा गाइस 3:30 बजे से। पहले 4 बजे होता था, अब इस बार 3:30 बजे से होगा गाइस, और 8 बजे की जगह 7:30 बजे से होगा गाइस। और यहीं पे सौरभ गांगुली जी ने ये भी कंफर्म किया है कि आईपीएल के प्ले ऑफ जो कि November 1 से लेकर November 10 तक होंगे, उसी बीच वुमेन्स T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी कराया जाएगा गाइस। इसको लेकर काफ़ी सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी वुमेन्स के बहुत नाराज़ थे, पर क्या करें, डिसीजन तो डिसीजन है। अब वो आए ना आए, शायद T20 चैलेंजर ट्रॉफी होके रहेगा। ये भी गवर्नमेंट से क्लियरेंस देना को था, मतलब सेट टू बी क्लियर बाय द गवर्नमेंट, बट इसे भी क्लियर मिल गया है और ये भी होगा श्योर। और एक न्यूज़ है गाइस कि बीसीसीआई के डोमेस्टिक सीजन को लेकर, मतलब अपना इंडिया के डोमेस्टिक सीजन को लेकर, कि ये बीसीसीआई ने कहा है हर मतलब टीम, मतलब जो भी बोर्ड हैं उनको, कि उनका खुद का बाहर से बबल सुनना पड़ेगा। और जो भी गाइस SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स और में लिखा होगा और गाइडलाइंस जो बीसीसीआई देंगे, उन सबको फॉलो करते ही करके ही ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो भी है इस साल का रणजी ट्रॉफी वोफी वो सब होगा गाइस। ठीक है, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। तो गाइस उसी तरह जैसे आईपीएल को गवर्नमेंट से क्लियर मिल गया है गवर्नमेंट से, तो सभी टीम्स एक एक करके अपना अब इंट्रो कंफर्मेशन की अब आईपीएल होने वाला है, और किस तरह से उनका सॉन्ग्स लाइक सब निकाल रहे हैं एंथम। तो गाइस इन सब को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा जितना ने अभी तक निकाला है गाइस। तो गाइस और एक न्यूज़ है, जो इंडिया का क्रिकेट किट यानी जर्सी जो होता है, उसका बनाने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था नाइकी के साथ, वो सितंबर में ख़त्म होने जा रहा है। तो इसलिए बीसीसीआई ने फिर से बिडिंग के लिए, मतलब बोली लगाने के लिए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कौन खरीदेगा उनके किट्स बनाने के लिए, ये अब शुरू कर दिया है गाइस। गाइस ये था क्रिकेट की न्यूज़। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फुटबॉल की ओर। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि एफए कप का फाइनल जो आर्सेनल चेल्सी के बीच में होना था, वो आर्सेनल ने 2-1 से जीत लिया है गाइस। तो गाइस इसका आपको फुल्ली हाईलाइट भी मिल जाएगा यहाँ पर, टीम स्टेट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाइस। ये जो फ्लाई एमरेट्स का स्पॉन्सर ट्रॉफी था एफए कप, वो उन्हीं के पास चला गया जिनको फ्लाई एमरेट्स ही स्पॉन्सर करते हैं, वो है आर्सेनल। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरे अच्छे से टीम स्टेट्स, कितने कितना कौन सा टीम का कितना स्टेट्स क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं गाइस। और यहीं से आप फॉलो करके और भी दूसरा फुटबॉल के उसको देख सकते हैं, अगर कुछ चल रहा होगा तो गाइस। ठीक है, और यहीं से गाइस आप सीरी ए के बारे में जान सकते हैं, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें कल के मैचेस में जुवेंटस रोमा से हार गया 3-1 से। इसी तरह से इंटर मिलान तो सबका नेपोली का मैच है हुआ था सॉरी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट्स, और उसी तरह से आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाके, अगर आपको पता नहीं चलता है कि फुटबॉल का क्या और कहाँ किस तरह से दिया जाता है। ठीक है गाइस, और गाइस आज के मैच कुछ इस तरह से हुए हैं, गियोना वेरोना 3-0 से हार गई वेरोना,
बुलोगना तोरिनियो, इस तरह से बहुत सारे चार मैचेस थे गाइस जो आज हुए हैं, तो इस तरह से आप इनको फॉलो कर सकते हैं गाइस, और बहुत सारे लीग्स हैं वहाँ पे आप फॉलो करने को। तो गाइस बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर जो कि है NBA के लेकर। NBA गाइस तो जो कि फुटबॉल बास्केटबॉल के फैन हैं और NBA के भी, वो गाइस इसी वेबसाइट से भी फॉलो कर सकते हैं अपने टीम का क्या कहते हैं उसे स्टैट्स, टेबल स्टैंडिंग्स, कौन कहाँ पे न्यूज़ ठीक है और कौन पेयर क्या कैसे हो रहा है गाइस, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आपको एक ऐप में देगा सोनी लीप या जियो है, वोडाफोन है, सब में वोडाफोन प्ले सब में की NBA का हाईलाइट्स आपको जरूर मिलेंगे गाइस, आप वहाँ से भी जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको TV पे नहीं दिख रही है तो गाइस। तो गाइस अगर कोई अगर बास्केटबॉल का फ़ैन है, उसे नॉलेज है बास्केटबॉल के बारे में तो ये NBA के बारे में, तो मेरे को ये बताना गाइस कमेंट पे कि ये फाइनल इतना सारा फाइनल लिखा हुआ ये क्या है ना, फाइनल स्टैंडिंग्स जो है वो क्या है पता नहीं मेरे को। और टुडे भी आज भी मैच है ठीक है 11 बजे रात को और सुबह के 1:30 बजे भी, फिर 4 बजे भी, फिर 5:30 बजे भी, 6:30 बजे भी, और इसी तरह से मैच चलते जाते हैं गाइस, क्योंकि ये USA में होता है तो वहाँ का टाइमिंग्स यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसी तरह से होंगे गाइस। तो मेरे को ज़रूर बताना गाइस कमेंट पे जिसको इसके बारे में नॉलेज है कि ये फाइनल लिख के जो आ रहा है वो क्या है। ओके गाइस तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर जो कि है Formula 1 से, जो कि रिसेंटली रेस हुआ था ब्रिटिश GP यानी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का, उसमें जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जिन्होंने 1:28:01 पे ये पूरा किया और 25 पॉइंट्स हासिल करके वो बन गए हैं इस Formula 1 रेस के विनर। और उसके साथ में सेकंड और थर्ड आए हैं एम वर्स्टैपन और सी लेक्लर्क रेस्पेक्टिवली। तो गाइस बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर जो कि है अल्टीमेट टेनिस शोडाउन 2 से गाइस, जिसमें फीमेल में बनी है ए पेल्विक शिवचेनकोवा, अगर मेरा नाम गलत पढ़ा तो, अगर सही नाम प्रोनाउंस में तो करने नहीं आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट, पर ये बनी है वुमेन्स की चैम्पियन और मेल के लिए बने हैं ए जेवरेव, तो इनका भी नाम प्रोनाउंस करने में गलती हो रहा है तो माफ़ करिएगा गाइस। सो ये दोनों बने हैं UTS यानी अल्टीमेट टेनिस शोडाउन 2 के विनर गाइस। होप गाइस कि मैं आप सबको स्पोर्ट्स की दुनिया की न्यूज से पूरी तरह से अपडेट कर पाया। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाई फाइव।